तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि चंपावत के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी और लोकतंत्र को मजबूत कर विपक्ष की आवाज को बुलंद करेगी। हमारा प्रयास है कि चंपावत में लोकतंत्र जीते, चंपावत की जनता जीते, गोलजू महाराज का आशीर्वाद जीते, माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद जीते, क्योंकि आज उत्तराखंड को एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि श्रीमती निर्मला गहतौड़ी एक बहुत सशक्त आवाज सिद्ध होंगी। तो चंपावत सीट पर आज उपचुनाव जारी है। सुबह से ही मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं वोट करने के लिए। चंपावत सीट पर बता दें कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। विपक्ष भी इस मैदान में है। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी इस चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चुनावी मैदान में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की साख आज दांव पर लगी हुई है। मतदाता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुँचे हुए हैं सुबह से ही अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए। सुबह से ही मतदाता जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। और तस्वीरें भी देखिए, लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से मतदाता जो है वो उत्साहित नज़र आ रहे हैं। तो वहीं हरीश रावत की तरफ से भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और ज़रा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश का रुख करेंगे। हरीश, चंपावत सीट पर आज उपचुनाव हो रहा है, सुबह से ही मतदाता जो है मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है। क्या और जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं, किस तरह का और हलचल वहाँ पर देखने को मिल रहा है? आज की अगर बात की जाए तो आज का दिन बेहद खास है चंपावत के लिए। और जिस तरह से आज उपचुनाव हो रहा है, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए यहाँ पे चुनाव किया जा रहा है। इस तमाम चुनाव को सफल बनाने के लिए तमाम जिला प्रशासन हो या फिर निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। और उसके साथ ही अगर हम बात करें चंपावत में पोलिंग बूथ की, तो लगभग 191 यहां पर जो पोलिंग बूथ हैं वो बनाए गए हैं, जहां पर लोग कुल, अगर हम चंपावत की बात करें तो चंपावत के लोग लगभग 96,213 जो मतदाता हैं वो आज अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही लाइन पे हैं। अगर बात करें तो सुबह 6 बजे से जो मतदाता हैं वो अपने घरों से अपने कामकाज छोड़ करके मतदान के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्रों पर। और तमाम जो तैयारियां हैं वो भी देखी गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। किस तरह से चुनाव सफल बनाया जाए इसको लेकर के निर्वाचन अधिकारी की तरफ से भी विशेष गाइडलाइन जारी की गई है। तमाम जगहों पर जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी पहुँच रहे हैं। अगर बात करें तो मशीनों को की भी यहाँ पे ईवीएम मशीन जो है वो भी पूरी तरह से रखी गई है, ताकि किसी भी हाल में चाहे वो दुर्गम इलाके हों या सेंसिटिव जोन हो, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अगर बात की जाए सुबह 9 बजे की, तो 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंट है चंपावत में वो लगभग 16.25 यहाँ पर वोटिंग रीड की गई है। इसके साथ ही अभी भी लगातार वोटिंग जारी है और शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। जो भी जो वोटर्स होंगे वो कैंपस में पहुंचने के बाद वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो लगभग शाम 6 बजे का समय यहाँ पर अंतिम रखा गया है, जहाँ पर अभी की अगर बात करें तो काफी उत्साह लोगों में दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोग अपने रोजमर्रे के काम छोड़ करके लगातार पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सफल प्रयास लोगों की और निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जा रहा है। जिस तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाहर जो यहाँ जो लोग हैं चंपावत विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें काफी उत्साह है, वो तमाम कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो उनके फेवर में भी यहाँ पे वोटिंग की जा रही है। साथ ही जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं निर्मला गहतोड़ी, उनके पक्ष में भी वोटिंग की जा रही है। यहाँ पर दो पार्टियों में सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 3 जून को जो रिजल्ट आएगा वो किसके फेवर में आएगा, लेकिन बहरहाल अभी की जो हलचल की अगर बात की जाए तो काफी उत्साह चंपावत विधानसभा क्षेत्र के लोगों में देखा जा रहा है। जी, मतदान केंद्र पर देखिए जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं अपने मतों का प्रयोग करने के लिए, अपना नेता चुनने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जानना चाहेंगे कौन कौन से वो चुनावी मुद्दे इनके जहन में हैं जिसको लेकर के ये आज वोट कर रहे हैं।
दूरस्थ इलाका है, काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, और ऐसे में जो यहाँ के हम तमाम उन इलाकों की बात करें जहाँ आज तक भी विकास नहीं पहुंच पाया। कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट इसलिए छोड़ी थी ताकि यहाँ का विकास, समुचित विकास हो सके और जो दूर दूर दराज के जो गाँव है वहां पर भी विकास पहुंच सके। इसको लेकर के जो आज जो उपचुनाव यहाँ पे किया जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने एजेंडे में खास तौर पे चंपावत को एक मॉडल जनपद के रूप में रखा है, साथ ही उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की भी बात कही है। तो सीधा सीधा फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के दुकानदारों को पहुंचने वाला है, क्योंकि अगर यहाँ पर मॉडल पर्यटन विकसित किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो मानचित्र है उस पर चंपावत रहेगा और यहाँ के स्थानीय वासिंदों को भी रोजगार के आयाम मिल पाएंगे। लेकिन अगर वही बात की जाए दूसरी तरफ कांग्रेस की, तो कांग्रेस के एजेंडे में खासतौर पर बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के वोट लोगों से मांगे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह के जो रुझान है वो यह चंपावत में बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार हम दोनों पार्टियों की अगर बात करें तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर यहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर निर्मला गहतोड़ी जो कांग्रेस की प्रत्याशी के तौर पर यहां पे चुनाव लड़ रही है, तो सीधा सीधा असर इसका आने वाले कुछ दिनों बाद साफ हो पाएगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो इसे मॉडल तरीके, चाहे वो टनकपुर हो या फिर बनबसा हो, इन तमाम क्षेत्रों को यहाँ पर विकसित करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई है। तो कहीं ना कहीं काफी उम्मीदें, काफी आस लोगों की है, खास तौर पे हम उन पहाड़ी इलाकों की बात करें जहाँ पर आज भी मूलभूत सुविधाएं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या सड़क हो, सड़क के जो कनेक्टिविटी है उसे पहुंचाना बड़ी चुनौती समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए होगी, क्योंकि कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए छोड़ी। कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर खड़े उतर सकेंगे कैलाश गहतोड़ी के मंसूबों पर। लेकिन अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह पूजा अर्चना की है और दुआ मांगी है, उनके फेवर में यहाँ पर रिजल्ट आया। लेकिन अगर वहीं बात करें तो जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उन्होंने भी इसे लोकतंत्र की जीत बताया है, लोकतंत्र का पर्व बताया है। उन्होंने कहा है कि यहाँ चंपावत के जो लोग हैं वो लोकतंत्र को देखते हुए वोट करेंगे। अब देखना ये होगा कि किसके फेवर में यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटिंग होगी और रिजल्ट किसके पास इसका रिजल्ट आएगा। जी जी बिल्कुल हरीश, देखिए चुनाव आते ही सभी पार्टियां ये दावा जरूर करती हैं कि जीत उनकी पक्की है, जीत उनकी पक्की है। और इस बीच देखिए जिस तरह से चंपावत सीट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बार चुनावी मैदान में है, बीजेपी ने काफी विश्वास के साथ उनको इस चुनावी मैदान में उतारा है, और वहीं विपक्ष की तरफ से निर्मला गहतोड़ी भी हैं। कहा जाता है कि हमेशा से ये सीट जो है विपक्ष के ही खेमे में आया है, और इस बार लेकिन बीजेपी की साख जो है दांव पर लगी हुई है, सीएम पुष्कर सिंह धामी की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। हरीश रावत जो है काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, जब उन्होंने ये बयान दिया उन्होंने ये कहा कि इस बार जीत हमारी ही होगी और विपक्ष की आवाज हम बुलंद करेंगे, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे वो। होते हैं खासतौर पे हम मिथकों की अगर बात करें तो जैसे कि पहले भी यहाँ पे मिथक रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में ये मिथक चूर होते हुए नजर आए। वहीं अगर बात करें तो इस बार भी क्या कुछ रहेगा ये भी आप देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल जिस तरह से यहाँ पर सत्ता पक्ष की तरफ से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिनके चेहरे पर पूरा 2022 के विधानसभा चुनाव लड़े गए थे और वो अपनी सीट जो खटीमा है जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था वो हार गए थे, लेकिन उससे लगी भी जो विधानसभा है चंपावत है, और चंपावत में भी उनके उनके जो बचपन है वो बीता है। कई बार उन्होंने अपने अपने संबोधन में जिक्र किया है, अपनी जनसभाओं में जिक्र किया है कि वो चंपावत के जो चंपावत में कई बार वो रह चुके हैं। और उसके साथ ही हमने देखा कि जो चुनाव प्रचार इस समय जो उपचुनाव को लेकर के यहाँ पर किया गया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहे वो रेडी पर चाय पीते हुए नजर आए हों, चाय भुट्टा खाते हुए नजर आए हों, या फिर वो बाइक रैली के बाइक चला करके लोगों से जनसंपर्क करते हुए नजर आए हों, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को एक विश्वास में लेने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जा रहा। उनकी जो पत्नी है वो भी बराबर क्षेत्र में बनी हुई है, लोगों से वोट की अपील कर रही थी, और इसके साथ ही जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं वो भी लगातार यहाँ पर बने हुए थे, चाहे वो रेखा आर्या हो या फिर चंदन रामदास,
वो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई थी। और इसके साथ ही सौरभ बहुगुणा जैसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर लगातार लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आते हैं। तमाम चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उसको लोगों तक पहुँचाने की यहाँ पर पुरजोर कोशिश की गई थी। चाहे वो टनकपुर हो या बन बसा हो, चाहे वो रोड शो का जरिया हो या फिर एक यहाँ पर जनसभा के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें कांग्रेस की, जो मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उत्तराखंड में समय मौजूद हैं, उन तमाम एजेंडों को लेकर के, चाहे वो रोजगार हो या फिर हम बात करें महंगाई के लेकर के भी तमाम चीजें उनके द्वारा की गई है। निर्मला के तोड़ी क्योंकि यहाँ की स्थानीय होने के साथ साथ उनका जो जो इतिहास रहा है राजनीति में काफी पुराना और काफी इतिहास उनका रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं अहम पदों पर भी निर्मला गतुड़ी रही गई हैं। और उसके साथ ही अगर देखना ये होगा कि जहां एक तरफ लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि जो बाहरी कैंडिडेट को यहां पर चुनाव लड़ाया जा रहा है, खासतौर पर हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंघानी की बात करें तो उन्हें बाहरी व्यक्ति बताया गया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से यहाँ पे चुनाव होगा, क्या रिजल्ट निकल के सामने आएंगे। लेकिन बहरहाल अगर हम इस समय यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो तमाम मुद्दे इनके पास हैं, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है और खासतौर पर चंपावत क्षेत्र के लोगों के पास भी रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। वहीं अगर दूसरी तरफ महंगाई की बात करें तो चाहे वो रसोई गैस हो या तमाम उन चीजों की बात करें, खाद्यान्न सामग्री की बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ के लोग उसकी भी मार झेल रहे हैं, क्योंकि दूरस्थ इलाका है और ऐसे में राजधानी से काफी दूर होने के चलते यहाँ का जो समुचित विकास नहीं हो पाया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो पूरी तरह से यहाँ पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी, खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।